जो केसीआर की सर्विस बहाल की गई है, तो इसके खाते का नतीजे क्यों नहीं मिल रहे हैं और इसके सम्राट आवाम को मिलने क्यों नहीं शुरू हुए? तो अंडरपास से कनेक्टेड है फेस टू के तमाम स्टेशन। आइसक्रीम खा रही हो और ये गुड़िया देख सकते हैं छोटी सी, इस वक्त प्लेटफॉर्म पे खेल रही है। तो ये फवारा जो उस जमाने में ये एक्टिव हुआ करता था, ये फवारा और एक हसीन मंजर दिखने को मिलता था जो यहाँ पे मुसाफिर खेल रहे हैं। और इस वक्त ये स्टेशन जो है प्ले ग्राउंड का मंजर पेश कर रहा है नॉर्थ नाजाबाद स्टेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ जावेद कमर और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नॉर्थ नाजाबाद स्टेशन के करीब। और मेरे बैक साइड पर देख सकते हैं नॉर्थ नाजाबाद स्टेशन का बोर्ड जो कि 1960 में यहाँ लगाया गया था, ये अभी भी मौजूद है। 1960 का बोर्ड अभी भी यहाँ पे मौजूद है व्यूअर्स। और मैं इस वक्त नॉर्थ नाजाबाद स्टेशन के मनाजिर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मेरे लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं ये ट्रैक जिस पर टनों के हिसाब से कचरा हुआ करता था, तो उस कचरे को यहाँ से उठा लिया गया। ट्रैक स्टेशन वो स्टेशन है जो माजी का खूबसूरत तरीन स्टेशन हुआ करता था, जब 1960 में इस स्टेशन से केसीआर की सर्विस के तहत ट्रेन चला करती थी, तो ये सबसे खूबसूरत स्टेशन हुआ करता था व्यूअर्स। और इसकी खूबसूरती के साथ अभी भी मौजूद हैं, तो मैं आपको वो फवारे वगैरह अभी भी मौजूद हैं, वो खूबसूरत चौरंगी स्टेशन से मलिक वो अभी भी मौजूद है, उसके बाकियात अभी भी मौजूद हैं। तो आज के इस व्लॉग में मैं यहाँ की खूबसूरती के जो असरात अभी भी मौजूद हैं वो शेयर करूँगा। और स्टेशन पर जो काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है फेस टू के तहत, उसकी सूरत से भी आगाह करूँगा। और फेस टू की बहाली के राह में जो सबसे ज़्यादा रुकावट है, मेरे फ्रंट साइड पर कैमरामैन दिखा सके, तो ये बोर्ड ऑफिस के जानिब से गुजरने वाला सड़क है जहाँ पे ग्रीन लाइन की सर्विस के तहत जो ट्रैक बनाया गया था ग्रीन लाइन की सर्विस के लिए, तो उसके अंडरपास से कनेक्टेड है फेस टू के तमाम स्टेशन। जैसे अंडरपास का काम का आगाज़ किया जाएगा उसके बाद तमाम स्टेशन को मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाएगा। और फिर फेस टू के तहत औरंगी स्टेशन से लेकर तमाम स्टेशन, नॉर्थ नाजाबाद स्टेशन, इसका अगला स्टेशन है लैकतबाज स्टेशन, उर्दू साइंस कॉलेज स्टेशन, और तमाम स्टेशन से लेके फाइनली ड्रीक रोड से मेन लाइन को केसीआर की सर्विस को कनेक्ट कर दी जाएगी व्यूअर्स। तो अभी मैं स्टेशन की जानिब चलता हूँ, वहाँ की सूरत 1960 में तामीर किया गया। प्लेटफॉर्म देख सकते हैं ये अभी भी मौजूद है, मेरा कैमरामैन आ सके तो ये प्लेटफॉर्म अभी भी मौजूद है, इसके बाकियात अभी भी मौजूद हैं। और मेरे लेफ्ट साइड हिफाजती दीवार जो इंतहाई मजबूत दीवार था, 1960 में तामीर शुदा हिफाजती दीवार जिसके बेशतर हिस्से मसमार हो चुके हैं, मुनदिम हो चुके हैं, और ये कुछ हिस्से अभी भी मौजूद हैं। तो मैं यहाँ के मनाजिर दिखा रहा हूँ और मैं इनकी इमारत है, मेरे लेफ्ट साइड पर कैमरामैन दिखाते हैं कि जो 1960 में तामीर किया गया था, यह वाशरूम की इमारत जिसमें 4 अदद वाशरूम मौजूद बनाए गए थे जब ये स्टेशन ऑपरेशनल था, जब ये स्टेशन बहाल था 1960 में, तो ये 4 अदद यहाँ पे स्टेशन से मलिक वाशरूम भी मौजूद थे। और ये देखते थे वाशरूम की इमारत, मेरा कैमरामैन दिखा था कि करीब से, तो वाशरूम तो यहाँ पे मौजूद नहीं है लेकिन वाशरूम की इमारत मौजूद है और इसके बाकियात अभी भी मौजूद है। तो मेरे फ्रंट साइड पर भी आ जाए कैमरामैन, तो बहरहाल और ये फास्ती दीवार जो कि मुनदिम हो चुका है, तो अभी मैं स्टेशन की जानिब चलता हूँ, वहाँ की सूरत से भी आपको आगाह करता हूँ, मेरा कैमरामैन आ जाए। तो फेज़ वन के तहत माशाल्लाह केसीआर की सर्विस बहाल की जा चुकी है, लेकिन इसके अभी तक समरात आवाम को मैसर नहीं आ रहे हैं और इसके नतज अभी तक आवाम को मिलने शुरू नहीं हुए हैं। तो इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह ताला मैं आपको आइंदा दिनों में तफसीली आपके साथ डिस्कस करूँगा और आपको मैं इसके वजूहत वगैरह आपके साथ शेयर करूँगा कि फेज़ वन के तहत जो केसीआर की सर्विस बहाल की गई है, तो इसके खाते का नतज क्यों नहीं मिल रहे हैं और इसके समरात आवाम को मिलने क्यों नहीं शुरू हुए। तो इस वक्त मैं नॉर्थ नाजाबाद स्टेशन के करीब पहुंच चुका हूं और स्टेशन के मनाजिर आपके साथ शेयर करूंगा व्यूअर्स। तो ये देख सकते हैं ये नॉर्थ नाजाबाद स्टेशन और इस स्टेशन से मसल ये रिहायशी आबादी आप देख सकते हैं, कराची का कोश इलाका जिसके साथ मुंसलिक है ये नॉर्थ नाजाबाद स्टेशन। और ये स्टेशन के मनाजिर देख सकते हैं आप, और अभी भी इस पर मेंशन है नॉर्थ नाजाबाद स्टेशन, ये देख सकते हैं आप, जहाँ पे इस वक्त बच्चे अतराफ के रिहायशी बच्चे मौजूद हैं। और ये नन्ना था प्यारा था एक बच्चा देख सकते हैं आप, ये कुछ खा रहा है, क्या खा रहे हो बेटे? माशाल्लाह ये प्यारा सा खूबसूरत सा बच्चा बैठा हुआ है इस वक्त वेटिंग एरिया में, शायद ये ट्रेन का इंतज़ार कर रहा है। ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं आप, कहाँ जाओगे भाई? ट्रेन में बैठ के कहाँ जाओगे आप? हाँ देख सकते हैं ये प्यारी सी खूबसूरत सी बच्ची जिसका नाम हफ्सा है, स्टेशन की इमारत से मलिक हिफाजती दीवार के साथ ये खेल रही है। तो मैं इसके वीडियो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इस बच्ची के पैर में सैंडल जूता वगैरह भी नहीं है, ये मासूम सी नन्ही सी बच्ची, 1.5 साल के करीब उम्र होगी इसकी। तो मैं इसके खूबसूरत से मनाजिर आपके साथ, इस बच्ची की खूबसूरत सी प्यारी सी वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक इस बच्ची पे अपनी रहमत नाजिल फरमाए, इसकी हिफाजत फरमाए अल्लाह पाक। तो मैं इसके लिए दुआ कर सकता हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक इसको हिफाजत फरमाए, इसकी सेहत दे अल्लाह पाक और इसकी ज़िंदगी में खुशहाली लाए अल्लाह पाक। और मनाजिर अभी आपको दिखा रहा था, और ये 1960 में यहाँ पर लगाया गया ट्रैक चेंजर
क्योंकि अभी भी मौजूद है। 1960 में लगाया गया ये ट्रैक चेंजर स्टेशन से मलिक, ये ट्रैक चेंजर जो अभी भी मौजूद है, और ये मनाजिर भी आपको दिखा रहा हूँ मैं। और ये लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं 3000 कमरे हैं इस स्टेशन में, और तीनों कमरों के दरवाजे वगैरह देखते थे गल सड़ गए, पुराने हो चुके हैं, और अमारत अभी भी मौजूद है व्यूअर्स। और मेरे फ्रंट साइड पे कैमरा मैन दिखा सके तो ये नॉर्थ नज़ाबाद का रहायशी इलाका है, नॉर्थ नज़ाबाद, और इस स्टेशन से मलिक ये रहायशी आबादी है, और यहाँ के मनाजिर दिखा रहा हूँ मैं। और अभी मैं स्टेशन के बैक साइड पर चलता हूँ, और जहाँ 1960 में क्लोजअप तो नहीं है ना, और इस स्टेशन के बैक साइड पे चलता हूँ जहाँ पे खूबसूरत चौरंगी हुआ करती थी, फवारे हुआ करते थे, तो वो मनाजिर भी दिखाऊंगा। और मैं स्टेशन के बैक साइड पे मौजूद हूँ, और मेरे और यहाँ था मेरे बैक साइड पे स्टेशन का पिछला हिस्सा देख सकते हैं, ये बैक साइड है स्टेशन का, और यहाँ के मनाजिर दिखा रहा हूँ। और मेरे फ्रंट पे लेफ्ट साइड पे कैमरा मैन दिखा सके तो ये गोल चौरंगी जिस 1960 में इसे तामीर किया गया था, और इंतहाई खूबसूरत चौरंगी स्टेशन से मलिक, और इस चौरंगी के दरमियान में एक फवारा भी उस ज़माने में लगा बनाया गया था, तो ये फवारा जिसके बाकियात अभी भी मौजूद है। और ये चौरंगी देख सकते हैं, इसकी दीवारें अभी भी चौरंगी की मौजूद है, और चौरंगी के अतराफ में कई अदद यहाँ पर दरख लगाए गए थे, पीपल के दरख लगाए गए थे, जो कि अभी भी मौजूद हैं। तो इंतहाई खूबसूरत चौरंगी बनाया गया था स्टेशन के करीब, स्टेशन से मतसल, और ये खूबसूरत सा फवारा जिसकी निशानी बाकियात अभी भी मौजूद है। तो मैं अभी यहाँ के मनाजिर दिखा रहा हूँ, और ये दरख देख सकते हैं जो चौरंगी के फवारे के चारों साइड में यहाँ पे दरख वगैरह लगाए, तो इतना हसीन मंजर हुआ करता था। और लेफ्ट साइड पे भी देख सकते हैं यहाँ पे भी खासा दरख वगैरह लगाया गया था। तो स्टेशन के बैक साइड पार्किंग का एरिया है, तो मैं यहाँ के मनाजिर दिखा रहा हूँ, और ये फवारा मेरा कैमरा मैन आ जाए तो इस वक्त मैं चौरंगी के अंदर आ चुका हूँ। 1960 में तामीर शुदा ये चौरंगी नॉर्थ नज़ाबाद स्टेशन से मलिक, जो स्टेशन में आने वाले लोगों के लिए हसीन मंजर पेश करता था। ये फवारा एक्टिव था उस ज़माने में, और ये फवारा इसके बाकियात अभी भी मौजूद हैं, और ये खूबसूरत सी चौरंगी हुआ करती थी जिसके चारों तरफ में दरख वगैरह लगे हुए थे, जो कि तमाम स्टेशन में खूबसूरत स्टेशन हुआ करता था। यहाँ की हालतदार दिखा रहा हूँ, और शहर के वस्त सेंटर में ये स्टेशन कायम था, नॉर्थ नज़ाबाद स्टेशन। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह से दुआ है कि जल्द से जल्द फेज़ टू के तहत काम का आगाज़ किया जाए, और जो सबसे बड़ी रुकावट है वो बोर्ड ऑफिस से गुजरने वाला ग्रीन लाइन की सर्विस के तहत जो ट्रैक तामीर कर दिया गया है, तो जब यहाँ पे बोर्ड ऑफिस के करीब अंडरपास के तामीरात किया जाएगा, तो उसके बाद ही फेज़ टू के तहत ट्रेन की सर्विस का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जाएगा। मैं तो अभी और ये स्टेशन की इमारत, और यहाँ के रहायशी बच्चे जो कि यहाँ पे मौजूद हैं और इस स्टेशन में खेल रहे हैं, और ये एक तरह से प्ले ग्राउंड बना हुआ है बच्चों के लिए। माशाल्लाह, ये देख सकते हैं ये छोटा सा बच्चा खुश हो रहा है, ये मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये खूबसूरत सा प्यारा सा बच्चा। और ये छोटी सी गुड़िया देख सकते हैं आप। तो अभी नॉर्थ नज़ाबाद स्टेशन इस वक्त बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड बना हुआ है व्यूअर्स, और ये मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये बच्चों का प्ले ग्राउंड है नॉर्थ नज़ाबाद स्टेशन। और ये बच्ची देखिए काफ़ी एक्टिव बच्ची है, और इसे बिल्कुल सही तरीके से यूज़ कर रही है, और इस स्टेशन का सही इस्तेमाल किया जा रहा है, और बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं इस स्टेशन का। और ये पाकिस्तान का खूबसूरत झंडा बना हुआ है इस स्टेशन में। अच्छा, देख सकते हैं इस वक्त ये गाड़ी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा है, और इसको कहीं जाना है जिसके लिए ये वेटिंग एरिया में वेट कर रहा है। हाँ भाई, इधर देखो, शाबाश, क्या वेट कर रहे हैं आप, किसका वेट कर रहे हो? ये खूबसूरत सा प्यारा सा बच्चा, और क्या खा रहे हैं आप? तो बहरहाल ये बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, और इस वक्त ये स्टेशन जो है प्ले ग्राउंड का मंजर पेश कर रहा है, नॉर्थ प्ले ग्राउंड बना हुआ है, और बच्चे खेल रहे हैं, प्यारे प्यारे मासूम बच्चे, अतराफ के रहने वाले रहायशी आबादियों के बच्चे हैं ये, और ये बच्चे इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं।